नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो हमारे पास फ़ोन है वो है रियलमी का 5। इसको हम जरा ऑन करके चेक करते हैं। ये रियलमी का 5 है जो कि हमारा इस तरह से लोगों पे रुका हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कि ये आखिर इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे ISP कनेक्ट करेंगे और ISP कनेक्ट करने के बाद हम इसका इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद इसमें हम कोई भी प्रोसेस को आगे करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ISP निकालेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस यहाँ से इस कवर को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको हम ISP करेंगे। ISP करने के लिए हमें इसका ISP पिन आउट देखना पड़ेगा। ये इसका ISP पिन आउट है। कई सारे ISP पिन आउट्स हैं, तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा ISP पिन आउट्स आपको यूज करनी है। और कभी भी एक ISP पे भरोसा ना कीजिए, दो तीन ISP से मैच करा लीजिए। CLK CMD एंड डेटा, तो ओके एवरीवन, जैसा कि हमने ISP कर लिया है, आप देख सकते हैं कि हमारा ISP कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा जो ISP है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको ISP कर लेनी है और उसके बाद आपको बॉक्स कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमारा हैंडसेट जो है वो डिटेक्ट हो चुका है। हम यहाँ से एक बार हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेंगे इसका। तो हेल्थ रिपोर्ट हमारा 72-80% बता रहा है, तो ये कुछ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं है। नैन टेस्ट एक बार ले लेते हैं इसका। तो इसका जो नैन टेस्ट है वो भी ओके है, तो अभी हम इसको ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। हमें करना क्या है कि इसकी पार्टीशन में जाना है। ठीक है, ठीक है, पार्टीशन में आने के बाद यहाँ आपको इसका मिक पार्टीशन को सेलेक्ट करनी है। ये इसका मिक पार्टीशन। ठीक है, ये मिस्क जो है इसको आपको एक बार रीड कर लेनी है। ये डन हो गया। ठीक है, ये मिस्क हमारा सेव हो गया है। अब हम इस मिस्क पार्टीशन को इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। फाइनली एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे इसे। और इसका नैन टेस्ट ले लेनी है। तो हमारा नेट टेस्ट अभी ओके है, सक्सेसफुली है, कोई ज़्यादा इशू हमें नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ से हम अपने फ़ोन को एक बार लास्ट वेरीफाई कर लेते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
तो हमारा जो बूट कॉन्फ़िगरेशन भी है वो सही है, ओके है, तो हम इसको डिसकनेक्ट कर लेते हैं।